हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल एंड आई नो मैं बहुत समय के बाद वीडियो बना रही हूँ थोड़ी सी व्यस्तता होने की वजह से मैं आपके सामने कुछ वीडियोस नहीं लेकर के आ पाई हूँ लेकिन अब बहुत सारे एग्जाम्स आपके लाइन अप हैं सीजी में बहुत जल्दी ही मंडी निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है और व्यापम के द्वारा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं जिसके लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है तो मैं आपके लिए कुछ एम सी क्यूज़ लेकर के आई हूँ आज के हमारे सेशन में ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज़ रहेंगे और इसी तरह से कुछ और भी मैं आगे लेकर के आऊँगी आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला सवाल जो हमारे आज के करंट अफेयर्स का है छत्तीसगढ़ का पहला चाइल्ड केयर सेंटर किस जिले में बनाने की मंजूरी दी गई है देखिए याद रखिए चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर चाहे वो नेशनल लेवल हो जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है पहली बार होती है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है ठीक है तो ये क्या है ये हमारा पहला चाइल्ड केयर सेंटर है तो ये किस जिले में बनाने की मंजूरी दी गई है तो आपके पास ऑप्शन में है बालोद जगदलपुर महासमुंद कोरबा आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे ख्याल से आपने अब तक इसका आंसर गेस्ट कर लिया होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बालोद जी हाँ बालोद ज़िले में छत्तीसगढ़ का पहला चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो बनाने की मंजूरी दी गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल करने वाली राज्य की पहली फिल्म कौन सी है तो देखिए छत्तीसगढ़ की फिल्मों को अभी तक नेशनल अवार्ड नहीं मिला था अब छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति आई है आपको पता होगा नई नीति में हमने ये कहा है कि हम छत्तीसगढ़ की फ़िल्मों को प्रमोट करेंगे और उसी के बाद ये नेशनल अवार्ड एक फ़िल्म को मिला है तो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ये पहली फिल्म है तो आपको इसके बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी होगा तो आइए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो है झन भूलो माँ बापला और उसके बाद है मोर छैया भैया ये काफ़ी फेमस रही है आई थिंक ये फर्स्ट कलर्ड फिल्म थी छत्तीसगढ़ की और थर्ड ऑप्शन में आपके पास है भूलन द मेज़ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं तो मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होगा आप जानते होंगे तो चलिए हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं इसका जो आंसर है सही वो है थर्ड यानी कि भूलन द मेज़ ठीक है ये जो भूलन द मेज़ है इसको नेशनल अवार्ड मिला है रीजनल फिल्म कैटेगरी में किस में रीजनल फिल्म कैटेगरी में ठीक और इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है याद रखिएगा ये एक तरह से एक नॉवेल यानी कि उपन्यास पर आधारित है जिसका नाम है भूलन कांदा क्या नाम है भूलन कांदा जिसे लिखा है संजीव बख्शी ने ये इसकी डिटेल याद रखिए वो घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं आजकल तो करंट अफेयर्स में भी स्टेटमेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो दे कैन आस्क यू तो एक नॉवल है जिसका नाम है भूलन कांदा जिसके राइटर हैं संजीव बख्शी उस पर आधारित ये फिल्म है और इसके निर्वा निर्माता निर्देशक है मनोज वर्मा कौन है मनोज वर्मा ठीक है ये नाम भी आप बिल्कुल याद रखिएगा ये इसके निर्माता निर्देशक है ये नॉवल के राइटर हैं और इस फिल्म के अभिनेता कौन है तो अभिनेता हैं आपके ओमकार दास मानिकपुरी ठीक है ओमकार दास मानिकपुरी जिन्होंने पिपली लाइव में नत्था का रोल किया था आपको बिल्कुल ध्यान होगा ये फिल्म दो घंटे दस मिनट की है ठीक है और इसकी शूटिंग कहाँ की गई है तो इसकी शूटिंग की गई है गरियाबंद में ठीक है कहाँ की गई है गरियाबंद में गरियाबंद का एक जो स्थल है वो है महुआ भाटा क्या है महुआ भाटा गरियाबंद का ये एक जंगल है महुआ भाटा वहाँ पर ये शूटिंग की गई है इसका जो टाइटल ट्रैक है वो कैलाश खेर ने दिया है और ये हमारा सिक्सटी सेवेंथ नेशनल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था कितना सिक्सटी सेवन्थ व्यापम कई बार आपसे क्रम भी पूछ लेता है तो प्लीज़ वो ध्यान रखिएगा ठीक है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है बिकॉज अगर उनका मन किया और घुमा फिरा के पूछ दिया तो फिर आपको पता होना चाहिए चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं थर्ड क्वेश्चन है राज्य का पहला महिला पुलिस बैंड का गठन किस जिले में किया गया अगेन ये पहला है याद रखिएगा ऑप्शन में है सरगुजा बाजार सुकमा और बस्तर इसका जो सही आंसर है वो है बस्तर जी हाँ बस्तर में राज्य का पहला महिला पुलिस बैंड जो है उसका गठन किया गया है ये ध्यान रखिएगा फोर्थ पे आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम क्या है देखिए तो ये जो विविधता बोर्ड है ना ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है तो आपको उसका नाम पूछा जा रहा है तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसके लिए आपके पास ऑप्शन है नन्हे परिंदे वन मानुष मेहमान परिंदे नादान परिंदे तो ये जो फिल्म बना रहा है ना इसका जो सही आंसर है वो है मेहमान परिंदे क्या है मेहमान परिंदे ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका हाल ही में मतलब जब जैव विविधता दिवस था यानी कि 22 मई को आपको पता होगा बायोडाइवर्सिटी डे जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है तो उसी दिन इंटरनेशनल जैव विविधता के दिन ये लोकार्पण किया गया इस फिल्म का हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा और इसे छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने बनाया है तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन फाइव में आते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है फिर से प्रथम है याद रखिएगा ऑप्शंस में है पाटन दुर्ग दूसरा है जंगल सफारी नया रायपुर तीसरा है गिधवा परसदा बेमेतरा और चौथा है कोपरा जलाशय बिलासपुर इसका सही आंसर है थर्ड गिधवा परसदा बेमेतरा जहाँ पे हमारा प्रथम पक्षी महोत्सव जो है वो मनाया गया है ठीक है और ये कब से कब तक मनाया गया था ये आप ध्यान रखिएगा तो ये है थर्टी फर्स्ट जनवरी से लेकर के सेकेंड फेबरवरी तक याद रखिए मैं 2021 की बात कर रही हूँ ठीक है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक ये मनाया गया है हमर चिरई हमर चिन्हारी पक्षी महोत्सव था ये ठीक है पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य के जैव विविधता बोर्ड द्वारा अब ये पहली बार आयोजन किया गया है इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है इसी के साथ एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ये जो कोपरा जलाशय बिलासपुर है ना यहाँ पे भी 21 फरवरी को सेलिब्रेशन हुआ था किस चीज के लिए हुआ था दरअसल वो प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम के लिए हुआ था ठीक है प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम अगर उससे सवाल पूछ ले तो याद रखिएगा। कोपरा जलाशय बिलासपुर में प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का आयोजन 21 फरवरी को किया गया था और पक्षी महोत्सव गिधवा परसुदा बेमेतरा ठीक चलिए सिक्स क्वेश्चन में आते हैं राज्य में पहला सौ पंद्रह सौ बेड की क्षमता वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहाँ प्रस्तावित है ठीक है देखिए ये प्रस्तावित है अभी बना नहीं है लेकिन क्योंकि प्रस्तावित हो चुका है तो आपको बिल्कुल इसको पढ़ना तो होगा ही तो आपके पास ऑप्शन में है बिलासपुर कोरबा नवा रायपुर दुर्ग ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है नवा रायपुर जी हाँ थर्ड ऑप्शन ये जो सुपर स्पेशलिस्ट uh, हॉस्पिटल है इसमें फिफ्टीन हंड्रेड बेड रहेंगे याद रखिएगा नवा रायपुर में है तकरीबन पच्चीस एकड़ की जो ज़मीन है या क्षेत्र है वो इसे दिया जाने वाला है और ये अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त रहेगा मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा और बहुत सारी सुविधा रहेगी और याद रखिएगा कि यहाँ पर पचास प्रतिशत मरीजों का जो इलाज है वो खूब बघेल योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाएगा जो सरकार की योजनाएं हैं ठीक है चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं विपणन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है देखिए आपको पता है अभी हमारी सरकार वर्मी कंपोस्टिंग में काफी ध्यान दे रही है तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में उसका विपणन करने में जो जिला प्रथम है वो आपसे पूछा जा रहा है पहला है बस्तर दूसरा ऑप्शन में है कांकेर तीसरा है सरगुजा चौथा है रायगढ़ उम्मीद करती हूँ आपने आंसर कर लिया होगा इसका सही आंसर है कांकेर ठीक है कांकेर जिला वर्मी कंपोस्टिंग के निर्माण और विपणन में प्रथम जिला है ठीक अब आ जाते एक प्रोग्राम है सहेली प्रोग्राम जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर के आई है तो वही आपसे पूछ रहा है कि वो किससे संबंधित है ऑप्शन में है बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना दूसरा ऑप्शन है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना यानी कि जो फीमेल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करना थर्ड है बालिकाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना फोर्थ है कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करना तो ये जो सहेली प्रोग्राम है इसका जो एम है या जो उद्देश्य है दरअसल वो है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना यानी कि विमेन इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना आपको पता है नेशनल लेवल पे भी इंडियन गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है जैसे कि स्टैंड अप इंडिया एंड लॉट मैनी जिसमें कि वे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट uh, कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सो द सेम वे देर इज दिस सहेली प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़ विच इज फॉर द प्रमोशन ऑफ़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ठीक है बिल्कुल याद रखिएगा ये चीज़ नेक्स्ट पे आते हैं खाद्य सामग्री गुणवत्ता जांच हेतु मध्य भारत का पहला सरकारी टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है याद रखिए ये मध्य भारत का पूछ रहा है भारत का प्रथम नहीं मध्य भारत का खाद्य सामग्री गुणवत्ता जांच तो ये आपके ऑप्शन में है भोपाल नागपुर नवा रायपुर और जगदलपुर तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका नवा रायपुर ये मध्य भारत का पहला है हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे नवा रायपुर में स्टैब्लिश होने वाला है स्थापित किया जाने वाला है तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्र योर एग्जामिनेशन ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन पे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद ट्राई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो इस सो कॉल्ड ट्राई यूनिवर्सिटी में शामिल होंगी वापसी पूछ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे रखें संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ आपको ये जो दिए गए कोड हैं कूट है इनसे आपको आंसर निकालना है देखिए पहला बोल रहा है दो तीन और चार पह, दूसरा बोल रहा है एक तीन और चार सी बोल रहा है तीन और चार और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं तो देखिए ये जो है दरअसल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जब वो लागू हो जाएगी तो हम ट्राई यूनिवर्सिटी बनाएंगे ताकि हम छत्तीसगढ़ के एजुकेशन लेवल को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आ पाएँ उसके लिए तीन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका चयन किया गया है तो देखिए वो यूनिवर्सिटी हैं संत कहिरा गुरु अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी और शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी यानी कि जो आपका सही आंसर है वो है बी एक तीन और चार गुरु घासीदास देखिए इसमें इन्वॉल्व नहीं है गुरु घासीदास हमारी एक लौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता होगा लेकिन ये इस ट्राई यूनिवर्सिटी वाले में शामिल नहीं है इस चीज को याद रखिएगा तो जो शामिल है वो कौन सी है वो है आपकी संत कहिरा गुरु सरगुजा अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर और नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कृषि का दर्जा किसे दिया गया है ये कृषि दो बार हो गया इसको काट दीजिए कृषि का दर्जा दिया गया बहुत ही आसान सवाल है मुझे उम्मीद है कि ये आप बना लेंगे पहला आपका ऑप्शन है लाख उत्पादन दूसरा मछली मछली पालन तीसरा दोनों ही है और चौथा इनमें से कोई नहीं मैं चाहूँगी कि इसका जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी ये लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स का भी पार्ट है तो आई एम श्योर आपको पता होगा तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एलेवन के आंसर को ठीक है चलिए नेक्स्ट में आते हैं किस बैराज को मछली के केज कल्चर का निर्माण किया जा रहा है ये मछली के कल्चर नहीं है केज कल्चर है ठीक है मछली का केज कल्चर ठीक है हिंदी वालों के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केज कल्चर तो कल्चर ही लिखाएगा ठीक है देखिए हमारी जो सरकार है वो मछली पालन मत्स्य पालन को काफी बढ़ावा दे रही है आप जानते हैं हम मत्स्य पालन में सिक्स रैंक पर आते हैं छत्तीसगढ़ लास्ट भी सिक्स रैंक पे था और हमारा नियरली नाइन्टी फोर पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट का जो जल क्षेत्र है वो हम मछली पालन के लिए यूज़ कर रहे हैं मतलब हम काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं तो अब हमने मछली के केज कल्चर को बनाने के लिए बैरेज भी निर्माण किया तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वो बैरिज है आपके ऑप्शन में है कलमा बैरेज मोंगरा बैरिज सारा डी बैरेज और अरपा भैसनजार बैरिज आप अपना टाइम लीजिए सोचिए क्या है आंसर तो इसका जो सही आंसर है वो है मोंगरा बैरेज क्या है मोंगरा बैरेज याद रखेंगे कि मछली केज कल्चर जो है वो मोंगरा बैरेज पे स्थापित किया जा रहा है या इसका निर्माण किया जा रहा है चलिए थर्टीन क्वेश्चन पे आते हैं अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए आपको पता है अभी अभी चीफ जस्टिस बने अरूप कुमार गोस्वामी उसका क्रम पूछा जा रहा है देखिए क्रम आपके सी जी पी एस सी जो अभी हुआ था प्रसेंटी ट्वेंटी उस पर भी पूछा था किसका मुर्मू जी का कैग का तो क्रम पूछता है इसलिए आपको क्रम भी याद रखना है तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे बिकॉज आई एम श्योर ये आप सभी को आता होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी तो ये क्रम आप बताएंगे साथ में ये भी बताएंगे कि इनसे पहले कौन से चीफ जस्टिस थे और कौन प्रभारी थे ठीक है दोनों बताइएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को अक्षुण रखने के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी तो देखिए महात्मा गांधी शुरू से ही ग्राम स्वराज के पक्ष को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बातें की हैं काफ़ी ज़्यादा बोला है तो हम उन्हीं की जो आइडियोलॉजी थी उसको लेकर काफी हद तक आगे बढ़ते हैं वेलफेयर स्टेट की हमारी जो आइडियोलॉजी है तो उसी के तर्ज पर एक सेवा ग्राम की स्थापना की जा रही है सवाल आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ की जाएगी ऑप्शन हैं धमतरी नवा रायपुर कांकेर या जगदलपुर तो इसका जो सही जवाब है वो है नवा रायपुर ठीक है नवा रायपुर में इस सेवा ग्राम की स्थापना होगी इसी के साथ मुझे याद आया हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसे शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी जगह है जिसे हम शिल्प ग्राम के नाम से जानते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राजोत्सव में विवाह श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है आप सभी को पता है कि फर्स्ट नवंबर से हमारे यहाँ पे राजोत्सव होता है और उसी समय यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी जो है कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया जो की तकरीबन अट्ठाईस अक्टूबर से फर्स्ट नवम्बर तक चला था पांच दिवसीय था यानी कि फाइव डेज पूरा चला है ये इसमें दो श्रेणी में अवार्ड्स दिए गए हैं या कहना चाहिए कि पुरस्कार दिए गए हैं एक तो है विवाह श्रेणी और दूसरा है अन्य श्रेणी तो विवाह श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया आपसे पूछ रहा है चलिए ऑप्शंस देखते हैं ओडिशा के धप नर्तक दल को सेकंड ऑप्शन में है झारखंड के करसा नर्तक दल को थर्ड में है असम के कार्बी तीवा नर्तक दल को और आपके फोर्थ ऑप्शन में है इनमें से कोई भी नहीं ठीक है तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड के करसा नर्तक दल को इसे जो है फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है ठीक है क्या मिला हुआ है फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है करसा नर्तक दल झारखंड याद रखिएगा भाई इसे फर्स्ट मिला है तो सेकंड थर्ड किसको मिला है वो भी देख लेते हैं सेकंड मिला है ये उड़ीसा के धप नर्तक दल को याद रखिएगा इसे सेकंड मिला और थर्ड मिला है असम के कार्बी दल को तो ये तो बात हो गई विवाह श्रेणी की इसके अलावा जो अन्य श्रेणी थी भाई उसका क्या तो उसमें भी देख लेते हैं अन्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार फिर से झारखंड को मिला है झारखंड के छाऊ नृत्य को जो कि एक तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म है मार्शल आर्ट एंड डांस फॉर्म है छाऊ आपने सुना ही होगा आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते होंगे झारखंड के छाऊ नृत्य को मिला है याद रखिएगा छाऊ उड़ीसा में भी होता है वेस्ट बंगाल में भी होता है तीन तरह का रहता है आपको शायद ये पता ही होगा तो फर्स्ट जो मिला है वो झारखंड को मिला है सेकंड सेकंड मिला है उड़ीसा के बजसाल नृत्य या नर्तक दल को कि क्या है बजसाल ठीक है मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूं बजसाल उसके बाद थर्ड जो प्राइज मिला है वो हमारे छत्तीसगढ़ को खुद को मिला है गौर सिंह सिंगा नर्तक दल के लिए गौर सिंह नर्तक दल ठीक है याद रखिएगा ये सारी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि इससे रिलेटेड है ठीक है और ये पांच दिवसीय था याद रखिएगा और इसमें इसको आप साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं उस तरह से भी पूछ सकता है साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल साल जो हमारा ट्री है आपको पता ही होगा ठीक है साल पेड़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड 2021 किस जिले को दिया गया है देखिए ये आप हिंदी में भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन बिकॉज वो इसी नाम से जो ये अवार्ड है वो दिया गया है तो आप इसको इसी तरह से नोट करेंगे तो ये अवार्ड जो है वो किस जिले को दिया गया है ये आपको इसमें बताना है आपके ऑप्शनस में है नवा रायपुर सरगुजा बस्तर कोरबा तो देखिए दरअसल ये जो अवार्ड है ये कोलकाता में एक टूरिज्म फेयर हुआ था कहाँ हुआ था कोलकाता में टूरिज्म ट्रेड फेयर हुआ था और उसमें मिला है पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए स्तरीय पर्यटन केंद्र में और यह मिला है बस्तर को ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोलकाता टूरिज्म ठीक है ट्रेड टूरिज्म ट्रेड फेयर में हुआ है और किसे मिला है तो बस्तर को मिला है इम्पोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिज इंडिया नेशनल खिताब 2021 जीतने वाली शीतल उपाध्याय किस जिले से संबंधित है तो देखिए पहले तो ये जो एक सवाल है इसमें ही अपने आप में एक सवाल है कि इस बार की जो मिसिज इंडिया नेशनल खिताब है वो जीतने वाली हमारी छत्तीसगढ़ की है कौन है वो तो वो है शीतल उपाध्याय आपको बताना ये है कि वो किस जिले से बिलोंग करती हैं इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में दे देंगे क्योंकि काफ़ी ईजी है ऑप्शन में आपके लिए पढ़ देती हूँ भिलाई जगदलपुर रायपुर बिलासपुर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ च्छत्य, के नक्सल प्रभावित ज़िले जो हैं आपको पता है कि नक्सल प्रभावित जिलों की एक सूची निकलती है उसमें किस बालोद को हटाकर किस जिले को शामिल किया गया है अभी देखिए जो होम मिनिस्ट्री है या कहना चाहिए कि आ, हमारी जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है वो एक लिस्ट निकालती है और उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के जो फोर्टीन डिस्ट्रिक्ट है चौदह जिले हैं वो नक्सल प्रभावित ज़िले कहलाते हैं उसमें रिसेंटली एक अपडेट ये हुआ है कि उसमें बालोद को हटा दिया गया है पहले बालोद आता था लेकिन अब इसे हटा दिया है इसकी जगह किसी और को शामिल किया गया वो जगह कौन सी है आपके ऑप्शन में है रायपुर बेमतरा मुंगेली कोरबा तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है मुंगेली जी हाँ मुंगेली को शामिल किया गया है और बालोद को हटा दिया गया है या ये आप बिल्कुल याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से हैं वो फोर्टीन जिले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ देखिए सात जिले तो बस्तर डिवीजन के हैं या इस तरह से सात जिले तो पूरे बस्तर डिवीजन के जो कि हैं बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा काकेर नारायणपुर कोंडागांव सुकमा ये पूरे हैं उसके बाद देखिए उसके बाद अगर मैं रायपुर संभाग से बात करूँ या रायपुर डिवीजन से बात करूँ तो आपके पास आ जाता है धमतरी गरियाबंद महासमुंद ठीक है ये पूरे क्या है तो ये पूरे रायपुर डिवीजन से हैं। उसके बाद आ जाता है जो आपका है दुर्ग डिवीजन तो दुर्ग डिवीजन से आपको मिलेंगे राजनंदगांव एंड कवर्धा बिलासपुर डिवीजन से अभी अभी शामिल हुआ है मुंगेली और आपका जो सरगुजा डिवीजन है वहां से एक जगह है बलरामपुर ये हो गए आपके फोर्टीन कैसे ये सेवन जो बस्तर के हैं एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन याद रखिएगा इनको पूछा जा सकता है इस बार के आपके एग्जाम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेहंदी गांव नहीं है एक्चुअली में ये मोहंदी गांव है ठीक है मोहंदी गांव जहां पहला चित्रित शैलाश्रय मिला है वह किस जिले में है देखिए स्टोन एज की जब भी चीजें होती है फाइंडिंग्स होती है कहीं पे शैल चित्र मिलते हैं शैलाश्रय मिलते हैं अलग अलग चीजें मिलते रहती हैं तो वो आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो ही जा रहा है फिर करंट अफेयर्स में भी हो जाता है तो फिलहाल एक चित्रित पहला चित्रित शैलाश्रय हमें प्राप्त हुआ है मोहंदी गाँव से याद रखिए मेहंदी नहीं है एक्चुअली में मोहंदी है तो वो जिले में है यह आपको बताना है आपके ऑप्शन में है राजनांदगांव धमतरी रायगढ़ महासमुंद इसका जो जवाब है वो है महासमुंद महासमुंद जिले के मोहंदी गांव में ये चित्रित शैलाश्रय मिला है और काफी कुछ इसमें जो चित्र है वो बना हुआ है जैसे कि मानव समूह नृत्य करता हुआ बना है किसी में वानर बनाए सूर्य और चंद्रमा सहित बहुत सारी जो है आकृतियाँ देखने को मिल रही हैं ठीक है हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना कहाँ की जा रही है देखिए अभी न्यू एक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना की जा रही है ऑप्शन में है भिलाई नवा रायपुर बिलासपुर दंतेवाड़ा इसका जो सही जवाब है वो है नवा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की जो स्थापना की जा रही है याद रखिएगा नवा रायपुर में की जा रही है नवा रायपुर में ही आपका हॉस्पिटल भी बन रहा है मैंने आपको कुछ देर पहले पूछा था जिसमें फिफ्टीन हंड्रेड बेड की फैसिलिटी वाला होने वाला है ये एक और एक तरह से इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप में नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है मतलब जो सेक्स रेशियो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है बेसिकली जेंडर इक्वालिटी की बात यहाँ पे कर रहा है तो जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ uh, की आपसे रैंक पूछ रहा है जो कि इंडेक्स जारी किया है किसने नीति आयोग ने आपके ऑप्शंस में है पहला तीसरा पांचवा सातवां इसका जो जवाब है वो है पहला जी हाँ छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिली है नीति आयोग द्वारा जारी इस लैंगिक समानता सूचकांक में याद रखिएगा ठीक है प्रदूषण को कम करने के लिए निम्न में से किन शहरों में स्मॉग टावर लगाया जा रहा है देखिए आपको पता है देश का जो पहला स्मॉग टावर लगा है वो दिल्ली में लगा है रिसेंटली कुछ समय पहले ही क्या कहते हैं उसका इनागोरेशन हुआ है तो आपने सभी ने पढ़ा होगा स्मॉग टावर क्या होता है बिल्कुल एक टावर जैसा होता है जो कि प्रदूषण में मतलब प्रदूषण को फिल्टरेट करने की क्षमता रखता है उस तरह का स्मॉग टावर है तो अब छत्तीसगढ़ में भी लगने की बात हो रही तो देखते हैं कहाँ लगने वाला है आपके इस तरह से कुछ ऑप्शन हैं आपको अलग अलग करके दिया है क्योंकि तीन जगह पर लग रहा है आपको मैं बता दूँ रायपुर बिलासपुर जगदलपुर भिलाई दुर्ग ये आपको क्वेश्चन में दिया है और आपको सही आंसर बताना है तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ रायपुर भिलाई और दुर्ग ये तीन ऐसी जगह हैं यानी कि एक चार और पाँच ठीक है रायपुर भिलाई और दुर्ग इन तीन जगह पे आपका स्मॉक टावर लग रहा है बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा नेक्स्ट है देश का तीसरा और राज्य का पहला हिरण अभ्यारण कहाँ प्रस्तावित है अगेन मैंने कहा पहला जो भी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन में है लोहांडीगुड़ा बस्तर फरसा बहार कोंडागांव परसिया धमतरी सोन कुकनार सुकमा तो इसका जो सही आंसर है वो है फरसा बहार कोंडागांव ठीक है यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ का पहला हिरण अभ्यारण प्रस्तावित है याद रखिएगा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ 100 दिन 100 कहानियों का क्या उद्देश्य है देखिए 15 अगस्त के दिन काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हुए थे उसमें से एक ये था 100 दिन 100 कहानियाँ इसी के उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है पहला आपका ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने और समझने का कौशल सिखाना तीसरा है बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ने और समझने में कौशल में बुद्धि मतलब वृद्धि करना चौथा है बच्चों को रोचक जहा कहानियाँ सुनाना तो ये जो सौ दिन सौ कहानियाँ दरअसल इसका एम है बच्चों में अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने और समझने के कौशल में वृद्धि करना बेसिकली ये जो हंड्रेड स्टोरीज रहेंगी सौ कहानियाँ रहेंगी ये इंग्लिश में रहेंगी और बच्चों को ये सिखाई जाएंगी समझाई जाएंगी जिससे कि हम उनके अंदर अंग्रेज़ी भाषा को समझने की पढ़ने की जो कौशल है उसको विकसित कर सके और उसको और इंक्रीज़ कर सके ठीक है तो याद रखिएगा सौ दिन सौ कहानियाँ बच्चों की अंग्रेजी भाषा या बच्चों से रिलेटेड है ठीक है वो कुछ और भी ऑप्शन में दे सकता है लेकिन सौ दिन सौ कहानियाँ बच्चों से कहानी किसी सुनाई जाती है बच्चों को सुनाई जाती है ना तो उस तरह से याद रखिएगा सौ दिन सौ कहानियाँ तो अंग्रेजी भाषा पढ़ने और समझने के कौशल के लिए आज का जो हमारा कहना चाहिए कि लास्ट क्वेश्चन है मैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एक दिन के लिए लेकर आई हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं और भी क्वेश्चन एम सी क्यू के आपके लिए बिल्कुल लेकर के आऊंगी तो जो ये क्वेश्चन है वो पूछ रहा है चक्कर भाटा हवाई अड्डे का नया नाम क्या है देखिए बात ऐसी है कि आपको पता है कि बहुत सारे नामों में परिवर्तन होता रहता है चाहे वो स्टेट की बात कर ले हम चाहे फिर हम कंट्री की बात कर ले और उसी में से कुछ ये इस तरह का यहाँ पे भी देखने को मिला है तो चक्कर भाटा जो हमारा हवाई अड्डा है उस उसका जो नया नाम है वो आपसे पूछा जा रहा है आपके ऑप्शन में दिया है माँ महामाया एयरपोर्ट माँ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी एयरपोर्ट तीसरा है बिलासबाई केवेंट हवाई अड्डा और चौथा है इनमें से कोई नहीं तो दरअसल इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चक्करभाटा हवाई अड्डे का जो नया नाम होने वाला है वो होने वाला है बिलासबाई केविंट हवाई अड्डा आपको पता होगा ये जो चक्कर भाटा हवाई अड्डा है ये बिलासपुर में चक्करभाटा बिलासपुर में आप जानते हैं ना तो ये वहाँ पर है और ये कहीं ना कहीं इसको 1988 में ठीक है बिलासपुर को भोपाल हवाई सेवा से जोड़ा गया था इसके हिस्ट्री की बात है तो चकर भाटा का नाम तो ठीक है भाई के इवेंट है बाकी सबका क्या माँ महामाया माँ दंतेश्वरी तो इसका भी ज़रा समझ लीजिए ये जो माँ महामाया है दरअसल ये दरीमा हवाई पट्टे का नया नाम है दरीमा हवाई पट्टा जो है ये अंबिकापुर में मौजूद है ठीक है फिलहाल तो सक्रिय नहीं है यहाँ पे केवल चार्टर्ड विमान उतर सकते हैं लेकिन इसका जो नया नाम है वो माँ महा माया एयरपोर्ट है और दंतेश्वरी आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा से रिलेटेड होगा तो ये बेसिकली जगदलपुर जगदलपुर हवाई अड्डे से रिलेटेड तो जगदलपुर जो हवाई अड्डा है बस्तर में आ, उसका जो आ, नया नाम है वो है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट ठीक है तो ये याद रखिएगा जगदलपुर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था तो बिल्कुल आपको पता होगा और हमारे जो नया रायपुर का हवाई अड्डा है वो तो आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से इसके अलावा भी जो हवाई पट्टियाँ हैं एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ एक तो है नंदिनी हवाई पट्टी ठीक है जो कि भिलाई में है एक है अगडी हवाई पट्टी जो कि जशपुर में है अगडी एक है बैकुंठपुर हवाई पट्टी जो कि कोरिया में है ठीक है एक है कोरबा हवाई पट्टी जो कि ऑफकोर्स कोरबा में ही है और एक जो प्राइवेट है याद रखिएगा वो है जिंदल रायगढ़ में जिंदल हवाई पट्टी ये जो है ये हमारी प्राइवेट है मतलब सरकारी उसमें नहीं प्राइवेट हवाई पट्टी ठीक है और एक नया प्रावधान लाया गया है कि एक नई हवाई पट्टी लाई जाएगी वो कोरिया में आएगी ऐसा करके प्रावधान है अभी तक आई नहीं है मतलब आएगी इस तरह से प्रावधान है तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा इसी के साथ हमारा ये आज का जो एम सेशन है वो हम खत्म करते हैं अगर आपके और भी कुछ कमेंट्स हो सजेशनस हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको और एम सी की वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो और अगर आपको सी जी का सी जी पी एस सी के लिए व्यापम के लिए क्रैश कोर्स चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आई डेफिनेटली ब्रिंग दैट आउट थैंक यू सो मच